الرحيم Dear students, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. एक बार फिर आपका खैर मुकदम है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में. तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने पिछले दिन क्लास फिफ्थ जो इंग्लिश है उसका जो पहला जो लेसन है वो है ए फाउलर एंड द कोइल्स. फाउलर एंड चिड़ी मार और कोइल्स एंड बटेरी, तो ये हमने पढ़ा है पिछली बार. तो कोइल्स के साथ क्या हुआ, फाउलर ने क्या किया, ये हमने सब पढ़ा है. तो आज हम जाएंगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. तो टेक्स्ट बुक पे जो क्वेश्चंस हैं, जो सवालात हैं, उनकी तरफ हम जाएंगे. तो पहला जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द फाउलर कैच द कोइल्स, कि कैसे जो फाउलर है, चिड़ी मार है, चिड़ियों का शिकारी है, कैच पकड़ता था कोइल्स, बटेरों को, कोइल्स को कैसे पकड़ता था. तो इसका आंसर मैंने लिखा है यहाँ पे, द फाउलर यूज इट टू इमिटेट द नोट्स ऑफ ए कोइल टू अट्रैक्ट द बर्ड्स, टू अट्रैक्ट द बर्ड्स देन फ्लंग हिज नेट ओवर देम. और फिर क्या करता था, अपना पहले एक वो नकल करता था उनकी, उनकी जैसी आवाज़ निकालता था कोइल्स की, अपनी तरफ उनको मुतवजा करता था, अट्रैक्ट करता था, तो उसके बाद फिर डालता था अपना नेट उनके ऊपर. तो ये है इसका पहले क्वेश्चन का जो है, पहले सवाल का आंसर है. दूसरा सवाल है, व्हाट ट्रिक डिड द कोइल्स प्ले ऑन द फॉलर. यह आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देख सकते हो, क्वेश्चन वहाँ पे दिखाए गए हैं टेक्स्ट बुक पे, आपकी किताब जो है फिफ्थ की जो इंग्लिश है उस पर दिखाए गए हैं. तो दूसरा सवाल जो आपका, कि कोइल्स कौन सी तरकीब, कौन सी ट्रिक उनके साथ खेलती थी, उसके साथ खेलती थी फाउलर के साथ. तो इसका आंसर जो है, द कोइल्स प्लेड ए ट्रिक, कोइल्स PLAYED प्लेड ए ट्रिक ऑन द फाउलर बाई फ्लाइंग टूगेदर एंड थ्रू द नेट ओवर ए थॉर्नी बुश. क्या करती थी ये, ऐसा करती कि अपना सर बाहर निकालती थी उस नेट के, एक साथ उठती थी ये उसको लेकर, नेट को लेकर, और कांटूदार कांटेदार झाड़ियों में, कांटेदार घास में जाकर उस नेट को डाल देती थी. तो ये क्वेश्चन नंबर दो जो है, टू क्वेश्चन नंबर है, उसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, व्हाट डिड द फाउलर्स वाइफ टेल हिम व्हेन ही रिटर्न्ड एम्प्टी हैंड. जब वो हर दिन खाली हाथ आता था फाउलर चिड़ी मार, उसकी बीवी ने उसे क्या कहा, ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है, पढ़ाया है लेसन. तो इसका आंसर जो है, व्हेन द फाउलर रिटर्न्ड होम एम्प्टी हैंड, जब वो खाली हाथ आता था फाउलर चिड़ी मार, द फाउलर्स वाइफ सेड, उसकी बीवी जो है फाउलर की, वो चिड़ी मार की, वो कहती थी क्या कहती थी, दैट ही हैड गॉट ए सेकंड एस्टैब्लिशमेंट एल्सवेयर, कि वो दिन पर दिन खाली हाथ आता है, वो कोई और दूसरा काम ढूंढे. क्वेश्चन नंबर फोर है फिर आपका, व्हाई डिड द कोइल्स रैंगल, ये आपस में क्यों तकरार करने लगी, झगड़ा करने लगी, लड़ने लगी, ये क्यों आपस में लड़ी. तो इसका ये, बिकॉज वन ऑफ देम अलाइटेड एक्सीडेंटली, उनमें से एक उतरी हादसाती तौर पर. हादसाती तौर पर किस पर उतरी, दूसरे के सर पर, जब वो खा रही थी खाना जमीन पर. एक ऊपर से एक कोइल जो थी वो उतरी हादसाती तौर पर, और उसको गलती से क्या लग गया पंजा दूसरी की सर के, दूसरी कोइल के सर के ऊपर. तो उस तरह से उनने एक दूसरे को ताने मारने शुरू की, तो उनका झगड़ा शुरू हुआ. बिकॉज वन ऑफ देम accidentally upon another's head while feeding, खाते हुए यानी खाने के दौरान, and then began to start back taunts extra, तो फिर उनके आपस में ताने शुरू हो गए. तो ये आपके क्वेश्चन चार थे, आगे हम फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे कल से. तो ये आपके जो जो लेसन है आपका, इसके चार जो क्वेश्चंस थे, तो इस तरह से आप इनको आराम से नोट करोगे, लिखोगे, और आप देखोगे इस पर किताब खोलोगे, देखोगे, ये मैं पूरी तरह से आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड पे, अच्छी तरह से आप उठा सकते हैं. बाकी वस्सलाम.